20 दिन काम बंद रहा, उसमें अपने कितने हजारों कारीगर अपना छोड़ के चले गए, कोई किसी ने पूछा ही नहीं। जो किराया यहाँ किराए पे रह रहे हैं, उनके पास खाने का नहीं है, कुछ पगार नहीं उनकी चालू, फिर कैसे और यहाँ रहेंगे। जब GST लगा, यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने अपना आंदोलन शुरू किया, उसके चलते 18 दिन मार्केट बंद रही। 18 दिन मार्केट बंद रही, व्यापारियों ने अपनी बात राज्य सरकार द्वारा रखी, केंद्र सरकार द्वारा रखी, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से, मगर उसके चलते पूरा लेबर ही इसके अंदर मरा है। वो GST से इतना फर्क पड़ा है ना, जो बड़े व्यापारी थे वो 500 टाके मंगाते थे, 15 आदमी काम करते थे, और बड़े व्यापारी 70-80 टाके मंगा रहे, 2 जन काम कर रहे हैं, 8 जन बैठ के खा रहे हैं, तो हमारा तो मोहताज हो गया एकदम। जब से नोटबंदी लगी पूरा काम बैठ गया हमारा, 15 लेबर थे, सबके सब गांव चले गए। फिलहाल में मैं अकेला बचा हूँ, GST लगी, नोटबंदी हुई, इतना परेशान किया कि महीना में कम जो 5 दिन काम करते 25 दिन घर चले जाते हम। 60,000 कपड़ा व्यापारी सूरत शहर के अंदर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, और उनके साथ में सूरत शहर के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख लेबर कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। जब से नोटबंदी और GST हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान कभी किसी का हुआ है वो है मज़दूर का। GST और नोटबंदी से पहले यहाँ के मज़दूर काफ़ी खुशहाल थे, इनकी रोजी रोटी सही तरीके से चलती थी, हर दिन मार्केट में आते और घर चले जा रहे रोज। कोई व्यापारी के पास काम नहीं है, कटिंग वाला क्या काम पे रखेंगे हमको, एक साल होने पे आया, हमारे बच्चे लड़के एकदम भूखे, कोई काम पे नहीं बैठा, डर के मारे कि अब अगला महीना कैसा जाएंगे, अगला हफ्ता कैसा जाएंगे हमारा। कोई महीने में हम लोग तो भूखे भूखे भी रहते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं देता है, सेठ लोग माल नहीं मंगाते हैं, बोलते GST लागू हो गया है, ये लागू हो गया है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो लेबर है, जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। भाजपा सरकार ने व्यापारियों से मिलने की कोशिश की, उनके साथ में मुलाकात की, मगर उनको कभी भी लेबरों की याद नहीं आई। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ हजारों लाखों मजदूर है, आज घर से आते हैं और निराशा होकर के वापस उनको घर लौट जाना पड़ता है, क्योंकि मंदी का माहौल इस तरह से छा गया है, पूरी दीपावली इनके बर्बाद हो गई है। मैं तो बोलता हूँ हजारों लाखों लोगों ने अपनी दीपावली भी सूरत शहर के अंदर बना नहीं पाए। अब मोदी जी ने इतना अच्छा बोले कि बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा साल भर से कोई अच्छा दिन आएगा। अभी तो हमको साल भर होगा काम नहीं, जो छोटा मोटा काम मिलता 50-100 का कर लेते, घर पर चल जाते हम। हम 15,000 रुपये महीना कमाते थे, अभी 50 रुपये भी नहीं हमारे पास। आज एक दुकानदार है अपनी दुकान के अंदर 2-3 लेबर दुकान में नौकरी देकर के काम करवाता था, आज मंदी के कारण से उसने खुद अपनी दुकान में काम करना शुरू कर दिया है, और जो लेबर बेचारा उसकी दुकान में काम करता था आज उनकी नौकरी छूट गई है, क्योंकि व्यापारी के पास भी काम नहीं बचा है। व्यापारी के पास काम चलता, सीजन चलता, तो वो कोई लेबर को रख करके अपनी दुकान में काम करवाता। आपका 500 बढ़ा दिया, उसका 1,000 बढ़ा दिया, क्या होता उस? महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई के हिसाब से तो पगार नहीं बढ़ती है ना, वो बढ़ना चाहिए ना। सारे परेशान है, यहाँ तक के पोटले वाले बोलो, पार्सल वाले बोलो, हम जैसे लेबर बोलो, हर कोई परेशान है। आज इसी कोई चीज़ की निर्णय नहीं निकला जो गरीबों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध हो चुकी हो, क्या गरीब पेट भर के खा सकता है। आज जितना अमीर है उतना अमीर हो रहा है, जितना गरीब है उतना गरीब होते जा रहा है।